फाइनली भैया देवभूमि में हमारा पहला कदम जाने वाला है। यहाँ से गंगा जी दिखनी शुरू हो गई है। मैं तुम लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ, ये चेक करें कितना ज्यादा अविरल चल रहा है। ध्यान रखना इस ट्रिप का सिर्फ और सिर्फ बजट है 1000 रुपए। हेलो जी, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू उत्तराखंड सीरीज। तो ये है उत्तराखंड सीरीज का फर्स्ट पार्ट। बज रहा है सुबह का 6:30, मैं निकल रहा हूँ अभी रेलवे स्टेशन के लिए। हमारी ट्रेन है बस आधे घंटे बाद 7 बजे, आधे घंटे लेट जैसे थी वो 6:30 बजे की, बट वो आएगी 7 बजे। तो हमारी ट्रेन है और ये जो जर्नी है थोड़ी सी खास होने वाली है, बिकॉज मैंने आपको बताया ना इसमें ना हमारा एक बजट फिक्स है जो कि है 1000 रुपये। 1000 रुपये के अंदर ये हमें पूरी ट्रिप करके आनी है, जो कि हम लोग 4 दिन की प्लान कर रहे हैं। 3 से 4 दिन में 1000 रुपये भाई बहुत कम होते हैं, बट प्लान करिए। चलो देखते हैं इसमें सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अब भाई इतना जो है हम लोग सस्ती ट्रिप कर रहे हैं, इसीलिए भाई हमने रिजर्वेशन नहीं कराया। हम जाएंगे जनरल डिब्बे से, इतनी दूर जनरल डिब्बे से जाएंगे। ऑलमोस्टली 400 किलोमीटर है यहाँ से हरिद्वार, और जनरल डिब्बे में वैसे भी सीन जानते हो कैसा हो रखा है, बट जनरल से ही जाएंगे। अगर ये चीप वाली ट्रिप नहीं कर रहा होता तब भी मैं जनरल से ही जाता, बिकॉज तुम लोग जानते हो मेरे को ना जनरल में ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। जनरल में भांति भांति प्रकार के लोग मिलते हैं, तो उनको देखो सीखो तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी जनरल वाले में रिस्क भी काफ़ी रहता है, क्योंकि उसमें सच में बहुत ही उल्टे सीधे लोग पड़े होते हैं। बट जनरल से अभी ट्रैवल करना है, अभी क्या ही मेरी एज, जितना ट्रैवल करूंगा उतना ही सीखूंगा। तो जनरल से जाएंगे हरिद्वार, उधर से आएंगे अभी जनरल में। कोई रिजर्वेशन नहीं, वैसे तो हर जगह रिजर्वेशन दे ही जाते थे, बट अब जनरल से ट्रैवल कर रहे हैं तो देखते हैं यार, पहला एक्सपीरियंस होगा इतनी दूर जाने का। एंड यही सब एक्सपीरियंस तो लेने मेरे को। तो बस भाई अब आगे की बात जो है आगे चल के करते हैं और जल्दी से निकलते हैं। बाकी अब मैं सोच रहा हूँ यार, मैंने बाल गलती में कटवा लिए, लेकिन हाँ सही लग रहा हूँ, बिल्कुल सीधा साधा बच्चा लग रहा हूँ। और बाकी मैं बताता हूँ, देखो मैंने पहन क्या रखा है। बेसिकली मैं ना फुल्ली कम्फर्टेबल हो रखा हूँ, बिल्कुल लूज सी टी शर्ट डाल रखी है, नीचे ना मैंने डाल रखा है लोअर, एंड ये अपने बिल्कुल कम्फर्टेबल वाले कैंपस वाले शूज। इसे पहन के लिटरली कहीं पर भी चढ़ सकते हैं, इतने आरामदायक हैं। तो बस चलते हैं, बाकी थोड़ी बहुत शॉपिंग मेरे को करनी वो हम हरिद्वार में करेंगे। लाइक मेरे को चप्पल अप्पल लेनी है। हमेशा ध्यान रखना जब भी हरिद्वार ऋषिकेश साइड जाओ ना, तो अपने साथ चप्पल जरूर लेके जाओ। चप्पल है मेरे पास बट वो मेरे को सही नहीं लग रही, चप्पल मेरे को नहीं लेनी हुई, तो वहीं हरिद्वार में ले लेंगे, यहाँ से क्यों ही खरीद के जाते, इसलिए वहीं ले लेंगे यार। तो यार अपने साथ ये वाला बैग जा रहा है, एंड एक वो खाने वाला बैग जा रहा है, उसमें सब खाना पीना रखा हुआ है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है तो ज़्यादा खाना पानी नहीं है, बस उसमें कुआ हुआ है। अभी खाने के लिए रोटी वोटी सेक दी है घर वालों ने, और बाकी थोड़े बहुत वही कुरकुरे उरकुरे नमकीन नमकीन के पैकेट है, मिठाई उठाई का डिब्बा। बाकी इसमें अपना सारा सामान है, ट्राइपॉड वाइपॉड हो गए, चार्जर, पावर बैंक, कपड़े अपड़े सब हो गए, बॉटल वॉटल इसी में लगी है, और साथ में चल रहा है कॉस्टअप एक बैग उसके पास होगा। और ये रही अपनी एक आखिरी चीज़ जो कि ले जाना है, और ये है सूती वाला अंगोछा। अंगोछा बहुत ही ज़रूरी है, हर जगह ले जाना, जब मन हो मुँह पे बांध लो, ज़्यादा धूप हो तो ये तो हर जगह लेकर ही जाओ जाओ चाहे जहाँ जाना हो। चलो भाई टाइम हो गया अपने ट्रेन का, अब निकलते हैं, बस 20 मिनट बाद अपनी ट्रेन आने वाली है। चलिए अच्छा चलता हूँ मैं, मुझे ध्यान रखना यार। ये एक्स्ट्रा बन गया, ये बड़ा बैग लेना ज़रूरी हो गया है भाई। ये खाने पीने वाला झोला एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ रहा है, देखो अगर कॉस्टअप के बैग में जगह हुई तो उसके बैग में रखेंगे यार। तो यार सारा सामान रख लिया, बस एक मंजन रखना भूल गए, 10 रुपए का कोलगेट सामने वाली दुकान से ले लेते हैं, जो सामने दुकान है। मंजन लेने के लिए आए, कलुईया आ गई हमारी बिस्किट खाने के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पढ़ने आ रहे हैं मामा, जाने का प्लान ऑटो से था बट मामा आ रहे हैं छोड़ने के लिए। बाकी चेक दिस आउट, व्यू भी उठ चुका है, नहा धो चुका है। कितने बजे? सुबह का 6:30 बजने जा रहा है ये लड़का, नहा चुका है। हम जा रहे हैं, चलोगे चलोगे साथ में? आओगे? चले हेलो, क्या टोपी चाहिए? आ जाओ आ जाओ, सुंदरिया है। बाय 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 बाय, बता जा कह रहे हैं लोग। फाइनली भाई रीच्ड रेलवे स्टेशन, एंड रेलवे स्टेशन पर जरा चेक करें कितने सारे पीछे ट्रक पर खड़े हुए हैं, मालगाड़ी से सामान उतरता है, इसी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है। तो वही सब सामान उतर रहा है, क्या जाल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। योग नगरी ऋषिकेश को जाने वाली 14229 हरिद्वार एक्सप्रेस काट दिया ट्रेन ने भाई, एक पे आने वाली थी 2 पे आ रही है। तो यार प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे तो आ गए, एंड वो खड़े मामा सामने। और यार भाई यार इस ट्रेन में तो बहुत लोग जा रहे हैं, अपना जनरल डिब्बा पीछे आएगा तुरंत बैठना होगा। देखो भाई साहब यार इस ट्रेन में बहुत ही लोग जा रहे हैं यार, वो देखो पूरा यार जा रहा, जगह मिल पाएगी या नहीं?
इसमें से ज्यादा रिजर्वेशन वाले में लग रहा है क्योंकि फैमिली वाले ना, फैमिली वाले रिजर्वेशन ही से जाते हैं। फाइनली भाई अपनी ट्रेन आ गई, बस निकलने वाले हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की। ट्रेन के अंदर आके बैठ चुके हैं। जनरल डिब्बे का सीन अंदर ये है, जगह तो है बट अभी ऊपर ये लोग सो रहे हैं ना, जब ये लोग उठ जाएंगे तब ऊपर जगह मिल जाएगी, पर अभी कुछ देर तो खड़े रहना होगा। तो मामा आए, जब कोई बड़ा आता है ना सही रहता है, वो सब बता देता कहाँ के लिए यही डिब्बा सही है हमने लिए, इसमें अंकल सो रहे हैं उन्हीं के पड़ोस में बैग वैग रख लेंगे। वैसे जिस हिसाब से टिकट है अपने, उस हिसाब से सही कोच मिल गया और सही डिब्बा मिल गया, सब कुछ सही, आराम से बैठ गए। बस ट्रेन भाई साहब हमारी चलने वाली है, 7 बजे चल रही है पूरी, एंड इसका टाइमिंग दिखा रहा है 2 बजे। भाई फाइनली सिटी बज चुकी है, 7:30 बजने जा रहा है, अब अपनी ट्रेन चलना यहाँ से स्टार्ट होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। आराम से जाना पीछे से देख के। जय भोले बाबा। उत्तराखंड ट्रिप into the deep end, 'cause I thought I could swim. We break up every weekend. भाई टाइम होने जा रहा है करंट के, एंड हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार, एंड पूरी ट्रेन भाई साहब उतरने के लिए जा रही है। यहाँ 10 मिनट का स्टॉपेज है तो अपन बाद में उतरेंगे आराम से जब सब उतर जाएंगे। भाई हम लोग बैठ गए, जब सब लोग उतर जाएंगे तभी उतर पाएंगे। लिटरली पूरी ट्रेन यहाँ पे खाली हो जाती है, इसके बाद जाएगी ऋषिकेश। ऋषिकेश हमारा प्लान है कल या परसों में, 4 दिन की या 5 दिन की ट्रिप करी है फाइनल। बाकी यहाँ आके देखेंगे क्या हालत खराब हो गई जनरल डिब्बे में, लेकिन एक्सपीरियंस बेस्ट था। हम लोग आराम से पहुँच गए मात्र 135 रुपये में 400 किलोमीटर। तभी कहा जाता है इंडिया में ट्रैवल ना बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। फाइनली भैया देवभूमि में हमारा पहला कदम जाने वाला है, ये रहा देवभूमि पे पहला कदम। भाई हरिद्वार में भीड़ देखो, समर वेकेशन चल रही है ना, और स्टेशन के जस्ट सामने आप देख सकते हैं पहाड़ भी हैं हमारे उत्तराखंड के। भाई एक्सेलेटर पे चढ़ने के लिए भीड़ देखो, इतनी ज्यादा भीड़ है कहीं बंद ना हो जाए। फाइनली हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आए, प्लान था हरकी पौड़ी जाने का भी जाएंगे, बट हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, घर से खाना लेके आए थे, तो अभी यहाँ पे ग्रैंड बसेरा टाइप का बन रखा है, देखो पीछे सब लोग बैठे हुए हैं, यहीं पे हम लोगों ने मस्त अपनी चादर बिछाई है। सबसे पहले खाते हैं यहाँ पे खाना थोड़ा बहुत कुछ, जिससे कि ताकत आए, और फिर हम लोग निकलते हैं सीधे डायरेक्ट हरकी पौड़ी के लिए। इस समय हम लोग खाएंगे खाने में रोटी और सब्जी सूखी भेजी और बाकी पोए हुए भेजे हैं, घर वाले इतने अच्छे हैं, पहले रोटी भेजी, बोला कि रोटी जाके खाना रोटी से ताकत आती है, उसके बाद शाम के लिए पोए हुए हैं, बाकी खरीद के भी खाते रहेंगे, बट घर का खाना घर का ही खाना होता है। पर अभी मैंने कॉस्टक को भेजा दही लेने के लिए, एक्चुअली इसको दुकान पता है ना, तो ये जा रहे हैं दही लेने के लिए, बिकॉज ऐसे सूखी सब्जी है, सूखी सब्जी की दही के साथ अच्छी लगती, तो दही मंगाया। घर में बोल रहे थे दही ले जाओ बट मैंने सुनी नहीं, मैंने सोचा यार वहीं ले लेंगे, कौन ले जाए रास्ते में सब पिचक किचक जाता, तो वही दही लेके आता यार, फिर खाना खाते हैं। भाई फाइनली खाना खा लिया, अब जो है फिर से ताकत आ गई है, अब अपनी ये जो सोन पापड़ी लाए थे चलो एक पीस मिठाई का भी खाते हैं, और फिर यहाँ से चलते हैं सीधे हरकी पौड़ी के लिए। भाई ये कल ताजी ताजी बनी थी, देखो हल्की सी गल गई है, गर्मी है ना, बिल्कुल ताजी ताजी बनी हुई है, मस्त सोन पापड़ी है। एंड मेरे को सच में लिटरली सोन पापड़ी से ज्यादा अच्छी कोई मिठाई लगती नहीं है, सोन पापड़ी और फिर काजू कतली। हम लोग 3 बजे तरफ निकल रहे हैं यहाँ से हरकी पौड़ी के लिए, जो कि यहाँ स्टेशन से कुछ 1.5 से 2 किलोमीटर है बस। मैं 2015 में लास्ट टाइम हरिद्वार आया था, जब मैं जम्मू जा रहा था, जम्मू जाने की ट्रेन निरस्त हो गई थी, तो हम लोग हरिद्वार में 4 दिन स्टे करे थे, तब का मेरे को याद है, शाम को आया था। स्टेशन ना यहाँ का मंदिर की तरह लगता है, काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। बाकी अपने भोले बाबा भी हैं यहाँ पे, वो भी भोले बाबा हैं, ऐसी भोले बाबा की मूर्ति वहाँ हरकी पौड़ी पर भी है ना, जब लास्ट टाइम गया था तब हरकी पौड़ी अच्छे से घूम नहीं पाया, स्टैंडिंग है वो वहाँ पे तो काफी विशाल है। तो चलो अभी देखते हैं, चल के हरकी पौड़ी के लिए ऑटो करते हैं और चलते हैं। और ध्यान रखना इस ट्रिप का सिर्फ और सिर्फ बजट है 1000 रुपये, 1000 रुपये मतलब मेरा 1000 रुपये, इसका 1000 रुपये के अंदर ये ट्रिप करनी है। तो अगर आप स्टेशन से निकलेंगे ना तो आपको जो है लेफ्ट हैंड पे जाना है, लेफ्ट हैंड पे हरकी पौड़ी 1.5 किलोमीटर तक। हरकी पौड़ी के लिए कोई ऑटो नहीं मिल रहा है और बोल रहे हैं 40 रुपये पर सवारी है, 1.5 किलोमीटर 20 रुपये पड़ते हैं, ठीक है 20 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ते स्टेशन से, तो 20 रुपये से ज़्यादा कभी देना भी मत। फाइनली हरकी पौड़ी के पास उतर गए, अभी पीछे गंगा जी के दर्शन हुए, लिटरली मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए, इतना ज़्यादा अविरल जल है, इतना ज़्यादा अविरल जल है, मैं सच में मनमुग्ध यहीं से हो गया, जब अपनी नज़रों से देखूंगा ना जाने मेरा क्या हाल होगा। मैं सच बता रहा हूँ, जो लोग मेरे को शुरुआत से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मेरे को ना गंगा मैया से सच में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। और यहाँ हमारे पास रुपये का चेंज नहीं होता हुआ। एक टिप और है हमेशा अपने साथ, जो है चेंज जरूर कैरी करो, 300-400 रुपये तो बिल्कुल छुट कर रखो, 10-20 रुपये। और एक चीज़ और ध्यान रखना, रेलवे स्टेशन से यहाँ तक के सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये लेता है, 40 बोलेगा 50 बोलेगा लेकिन नहीं, 20 ही पड़ते हैं, ध्यान रखना हमेशा। 15 रुपये पड़ते हैं पर मैक्सिमम 20 रुपये, 15 पड़ते थे लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं, इस समय टूरिस्ट प्लेस मतलब ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं ना तो वो 20 ही लेंगे, बट 20 से ज़्यादा नहीं। जहाँ पे आपको ऑटो उतारेगा आपको कुछ ही दूर वॉक करके आनी है, एंड इधर घाट पर जाने के लिए मेन गेट आ जाएगा, एंड फिर यहाँ से हमें जाना है अंदर।
भाई फाइनली यहाँ से गंगा जी दिखनी शुरू हो गई है एंड मैं तुम लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ। अब ये चेक करें कितना ज्यादा अविजल जल है। बाकी ये चेक करें लाइन से सब लोग नहाते हुए जा रहे हैं जितनी दूर तक आपको दिख रहा है। बाकी ये देखिए कुछ प्रो स्विमर्स हैं जो कि बिल्कुल बीच में तैर रहे हैं इतने तेज बहाव में। लिटरली भाई इतने तेज बहाव में ये लोग तैर कैसे रहे हैं। इधर वाले घाट तो पूरे भरे हुए हैं, फिलहाल हमें चलना है उधर। उधर बहुत ही बढ़िया बढ़िया घाट है तो उधर साइड चलते हैं यार। इस समय लाखों में तो होगा आदमी ना, लाखों में आराम से आदमी है। पूरा उत्तराखंड मेरे को लग रहा है, यहीं उत्तर प्रदेश की भी आधी पब्लिक आ गई, दिल्ली दिल्ली हर कोई आ रखी है। भाई देखो क्या हाल है वहां से वहां तक। क्या बोले भाई? राजस्थान का मत बोलो। समझ गए ना। एक चीज मेरे को अच्छी लगी कि यहाँ पे देखो साइड में धर्मशाला भी बनी है तो जिनको रुकना हो यहाँ पे रुक सकता है, सामने इतना अच्छा व्यू पाएगा। लेकिन भैया हमें तो 1000 रुपए के अंदर ट्रिप करनी है तो देखेगा अभी हम क्या क्या करेंगे। उसके लिए ना मैं एक सोच रहा हूँ फिल्म टाइप की पूरी एक बनाने की सीरीज, 20-25 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा तो उसे देखना। ये तो नॉर्मली व्लॉग है बट एक वो व्लॉग आएगा जो सबसे बेस्ट होगा, मजा आ जाएगी उसे देखने में। यार हम लोग बिल्कुल इधर साइड आ गए हैं एंड हमने ना ये जगह फाइनल करी है। ये जगह बेस्ट है नहाने के लिए। देखो वहाँ तक सीढ़ियाँ हैं और सेफ्टी भी है, सबसे ज़्यादा सेफ्टी ज़रूरी है बिकॉज बहाव बहुत ज़्यादा तेज है, तो ये जगह बिल्कुल सही है। तो यहीं पे अभी स्नान करते हैं यार। घाट के किनारे बहुत ही सेफ जगह ढूंढनी है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती हैं, इसीलिए संभाल के एक बंदा खड़े रहो, एक बंदा नहाने जाओ ऐसे करना। तो ये रहा अपना सारा सामान, अभी मैं जाऊँगा फिर कौशप जाएगा। बहुत लिटरली गर्मी लग रही है, हालत ख़राब हो गई हरदोई से यहाँ तक आने में। गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, देखना सब हर चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। चलो भाई चलते हैं। भाई लिटरली इतना ज़्यादा ठंडा पानी है ना मैं बता नहीं सकता, बिल्कुल बर्फ़ की तरह पानी है। स्नान कर लिया है, यहाँ से हटने का मन नहीं हो रहा है। टाइम ऑलमोस्टली यार होने जा रहा है वही 4। अब मैं सोच रहा हूँ चल के यार मनसा देवी भी आज कर ले, रुकना तो है 3-4 दिन बट ये सब करना भी है ना तो चलते हैं यार। बट यहाँ लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है यार। अपनी लाइफ में कहीं जाओ ना जाओ, हरिद्वार आओ, ऋषिकेश जाओ, सबसे बेस्ट जगह है यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे हम बैठे हैं ना इतनी तेज, मतलब कि वो बहाव है कि सच में खिसके जा रहे हैं। मजाक वाली बात नहीं, इतनी तेज है हम सच में खिसके जा रहे हैं यहाँ पे बहाव, लिटरली यहाँ पे। और बीच का तो तुम देख ही सकते हो क्या सीन है। तो भाई कपड़े पहन के आराम से ये त्रिकुंड वाला ये पूरा माथे पे लगवा लिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा ना लिटरली यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है, फिर अभी हमारा प्लान बन रहा है मनसा देवी जाने का बिकॉज अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है। अभी बजने जा रहा है 4 तो आराम से हम लोग 2 घंटे मतलब 6 बजे तक तो मनसा देवी हो जाएंगे, तो चलते हैं यार मनसा देवी। और हाँ यार एक चीज़ और, आरती ना जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके जस्ट सामने यहाँ पे होती है, अभी पता करा ये जो सामने बना हुआ ना तो यहाँ पे आरती होती है, आरती होगी 7:30 बजे। और हमको पता चला है 5:30 बजे यहाँ आ जाना तभी आरती देख पाओगे, वरना आरती देख नहीं पाओगे। तो अब भाई मनसा देवी जल्दी दर्शन करके आते हैं। तो हर की पौड़ी पे स्नान करने के बाद हम निकल जाते हैं मनसा देवी की चढ़ाई पे जो कि आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको हमारा ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बिकॉज हमारे चैनल पे आपको ऐसी ही एक्सप्लोरिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। Every home, every home, every home, every home.